किताबुल इल्म में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने सनद के साथ हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म की जस्तजू, इल्म की तलाश हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यहाँ से जो मसला साबित हो रहा है वो ये है कि इल्म हासिल करना, मसलन एक आदमी शरीयत के वो उलूम जो फ़र्ज़ हैं जिनके बगैर चारा नहीं, मसलन कहा जाता है जैसा कि नमाज़ के अंदर उतनी किरात का सीखना फ़र्ज़ है जिसके बगैर नमाज दुरुस्त नहीं, और बाकी पूरी कुरान की किरात का सीखना वो भी फ़र्ज़ है लेकिन वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, और वो किरात जिसके बगैर नमाज दुरुस्त नहीं उसका सीखना फ़र्ज़ ऐन है। इसी तरह अगर आदमी जो मामलात करता है, मसलन किसी का काम है बैंक का, तिजारत का, लेन देन का, वो जिस किस्म के मामले में शामिल है, जिस तरह के वो मामलात करता है, उस मामले के हवाले से शरी मसाइल जितने हैं उसके लिए सीखना वो फ़र्ज़ हैं, वो फ़र्ज़ उलूम कहलाते हैं। तो कल क़यामत में वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इस मसले का इल्म नहीं था, कि मुझे इस मसले का इल्म नहीं था तो लिहाजा मैं अपने कारोबार के अंदर ये खिलाफ वर्जी करता रहा तो या अल्लाह मुझे माफ़ करते। अल्लाह कहेगा नहीं, नहीं था। तो इंसान पर यह फ़र्ज़ था कि वो इल्म सीखे। इसी तरह पूरा दीन सीखना, दीन के तमाम मसाइल सीखना इंसान पर फ़र्ज़ ऐन नहीं, सिर्फ वो मसाइल सीखना फ़र्ज़ ऐन है जिसका उसकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। तमाम दीन के मसाइल सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है कि अगर पूरी कौम में से, पूरे इलाके में से एक आदमी भी सीख लेता है तो वो तमाम को किफ़ायत करता है, लेकिन अगर पूरे इलाके में से एक आदमी भी नहीं जानता दीन के मसाइल तो तमाम लोग जनाब इस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे और तमाम को वहाँ पर फेंटी लगेगी। यहाँ पर जो कहा तलबुल इल्म, इल्म की तलब फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, यानी कि मुसलमान पर कौन सा इल्म फ़र्ज़ है जिसके बगैर वो जिस काम में इन्वॉल्व है, जो काम वो करता है, उसके तमाम शरी मसाइल जानना उसके लिए ज़रूरी है, उसके बगैर चारा नहीं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु इसी हदीस को अपने एक और सनद से हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म की तलब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं, वलीद तो सनद समानीना, मैं 80 हिजरी में पैदा हुआ, व हजज तो माँ अभी, और मैंने अपने बाप के साथ हज किया 96 हिजरी में, और उस वक़्त मैं 16 साल का लड़का था। बस जब मैं मस्जिद हराम में दाखिल हुआ, व रई तो हलकतन, मैंने एक लोगों का हलका देखा, फ़कुल तो ले अभी, मैंने अपने अब्बा जी से पूछा, हलकतु मन हाजी ही, ये हलका किसका है? कहा यह अब्दुल्ला बिन हर्स बिन जज का हलका है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। कहते फ़तकद्दम तो, मैं आगे बढ़ा, फसमे तो हूँ, मैंने उनकी बात सुनी, यकूल वो फरमा रहे थे, समय तो रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह को ये कहते सुना है, अल्लाह के रसूल को ये कहते सुना है, मन तफ़क़्क़ह फ़ी दीनिल्लाह, तलबा गौर से सुनो ये हदीस, मन तफ़क़्क़ह फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह जिसे दीन की समझ बूझ अता करे, कफ़ाहुल्लाहु महम्मह, अल्लाह फिर उसके रिस्क का ज़िम्मा खुद उठा लेता है, वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से उसने कभी गुमान भी नहीं किया होता। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अपनी सनद के साथ हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए आयशा, लियकुन शियारुकिल इल्म वल कुरान, तुम्हारा शियार इल्म और कुरान होना चाहिए, यानी कि कुरान को और इल्म को, यानी कि कुरान के इल्म को अपना शियार बना लो, अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लो कि तुमने इल्म हासिल करना है और कुरान की तालीम हासिल करनी है, कुरान सीखना और सिखाना है।